100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने जल्द ही नए बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड में ईमानदार चेयरमैन चुनकर भेजने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में गठन हुए बोर्ड के सदस्यों और चेयरमैन की भ्रष्टाचार से जुड़ी हजारों शिकायतें उनको मिलती रही, जिस पर उनकी सरकार अब कार्रवाई भी करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान गठित हुए थे और दोनों ही बोर्डों में बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं। कानून को दरकिनार करते हुए वक्फ बोर्डों ने मनमाने तरीके से मुतावलियों को नियुक्त किया और मनमाने तरीके से कई फैसले भी लिए गए जिनकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते अभी चुनावी प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन दोनों ही वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन काम करेंगे। मोहसिन रजा ने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि योगी सरकार बेहद ईमानदार, पारदर्शी और अच्छे चेयरमैन चुनकर वक्फ बोर्ड में भेजेगी। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 18 मई को समाप्त हुआ है, वहीं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हुआ था, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया के बाद नए बोर्ड का गठन होना था। लॉकडाउन की वजह से वक्फ बोर्ड की चुनाव प्रक्रिया भी टल गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व में ही मार्च अप्रैल में सुन्नी वक्फ बोर्ड का समय समाप्त हो गया था, उनके चेयरमैन और सदस्यों का समय समाप्त हो गया था, और अभी 18 मई को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया और उनके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया। ये दोनों ही बोर्ड समाजवादी पार्टी के दौरान गठित किए गए थे, इसलिए इन दोनों के कार्यकाल के समय अनियमितताएं बहुत हुई हैं। खास करके कानून को ताक पर रखकर इन्होंने निजी स्वार्थों को साधते हुए मनमाने तरीके से अपॉइंटमेंट किए मुतवल्लियों के, मनमाने तरीके से अपॉइंटमेंट अपने जो औकाफ थे, जिस तरह के थे, किसको कहां मुतवल्ली बनाना है, जो जी चाहा, नियम को बिल्कुल ताक पर रखकर इन्होंने फैसले किए थे। तो उन फैसलों की भी हम जांच कराएंगे, उन लोगों को भी निर्णय मिलेगा, उन लोगों को भी न्याय मिलेगा जो लोग परेशान थे काफी दिनों से। चूंकि दोनों वक्फ बोर्ड आप जानते हैं कि 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, तो पिछली सरकार में बने हुए बोर्ड थे, इसलिए हमने एक अंकुश तो लगाया था, हमने एक चेक तो लगा रखा था योगी सरकार ने कि हमने प्रॉपर्टियां खुर्द-बुर्द होने नहीं दी है बहुत हद तक, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी संपत्तियों के बारे में शिकायतें आई हैं कि पैसे लेकर ट्रांसफर की गई हैं, पैसे लेकर कहीं दुकानें दी गई हैं, कहीं किसी को पैसे लेकर मुतवल्ली बनाया गया है, जायज मुतवल्ली को हटाकर नाजायज आदमी को मुतवल्ली बनाया गया है। तो इस तरह की शिकायतें बोर्ड में आई हैं और हमारे पास भी तमाम हजारों की तादाद में पत्र आए हुए हैं, हम उसके ऊपर अब कार्रवाई करेंगे। और आप सबको बताना चाहते हैं कि अभी कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान दोनों बोर्ड सरकार के ही अधीन रहेंगे। अब ये बोर्ड योगी सरकार चलाएगी, योगी सरकार के ही अधीन रहेंगे जब तक के इसमें नए अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं। लेकिन हम इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आदरणीय योगी जी की सरकार में ईमानदार, पारदर्शी और बहुत अच्छे चेयरमैन आपको हम लोग चुनकर देंगे। बहुत अच्छे चेयरमैन होंगे जो वक्फ के डेवलपमेंट के लिए, वक्फ के विकास के लिए काम करेंगे, क्योंकि योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि इन वक्फ की आमदनी को बढ़ाया जाए, इसमें कैसे बड़ी आमदनी लाई जाए और कैसे वक्फ के कर्मचारियों को भी मदद मिले।